रसोई में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले गैस का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि गैस सिलेंडर खत्म होते ही आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और आपको लकड़ी या फिर उपलों का इंतज़ाम करना पड़ सकता है। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुढ़ा गैस प्लांट से सिलेंडरों की सप्लाई करने वाले ट्रक व टैंकर ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। ना तो कोई टैंकर प्लांट के अंदर जा रहा है और ना ही प्लांट से सिलेंडर की गाड़ियां भर कर बाहर आ रही हैं। ऐसे में हड़ताल कब तक जारी रहेगी, इसको लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर गैस एजेंसियों पर भी मात्र एक या दो दिन का ही स्टॉक होता है, इसलिए गैस का कम प्रयोग करें, नहीं तो आपको फिर से उपलों और लकड़ी के चूल्हों पर रोटियां सेकनी पड़ सकती हैं। दरअसल ट्रक ड्राइवर व ऑपरेटर आईपीसी के तहत सड़क दुर्घटना के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। नए नियम के तहत ट्रक की चपेट में आने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आरोपी ड्राइवर पर 10 लाख के जुर्माने के साथ साथ 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, जिसे ट्रक ड्राइवर इस नियम से नाराज हैं। गुड़ा गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवरों व ऑपरेटरों का कहना है कि पहले अगर सड़क दुर्घटना हो जाती थी तो उन्हें बेल मिल जाती थी और उनका केस चलता रहता था, लेकिन अब सरकार ने पूरा का पूरा रास्ता ही रोक दिया है। सड़क दुर्घटना होती है तो उन्हें मजबूरन भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वे मौके पर रुके तो पब्लिक उन्हें जान से मार देगी। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। सरकार को नियम ड्राइवर की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। रकम सिंह जी, प्लांट पे आप लोगों ने हड़ताल की हुई है, हाँ जी, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा, जो भी होगा फिर नुकसान का क्या हमने हुआ है जी। जी हमारा ही जो कानून है, हमारा उल्टा बन रहा, हमारे हक छीन लग रहे, हक छीन रहे आप लोगों। तो क्या कानून बना दिया है सरकार ने? सरकार ने कानून बनाया है कि भाई 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना होगा जी, इसलिए हम नहीं भरपाई कर पाएंगे। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हम ये जो कानून लागू किया है इसको तत्पर्य रद्द किया जाए। रद्द किया, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मैं कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी, भारी संख्या में आज ट्रक ड्राइवर है हड़ताल पर बैठे हुए, तो आज से शुरू हुई है ये हड़ताल? आज से कर रहे हैं भाई लोग जी, सारे जी मजबूर हो गए। क्या मजबूरी हुई है? मजबूरी ये हो गई है कि गरीब आदमी दिहाड़ी लगाने जा रहा है जी, तो क्यों लगाने जा रहा है? उसके पास प्रॉपर्टी हो जी तो दिहाड़ी लगाने क्यों जाएगा, पहली बात जी। दूसरी बात ये है, ये जो इन्होंने 10 लाख रुपए जुर्माने वाली और सजा वाली बात कही है जी, ये भरपाई कहाँ से करेंगे? सरकार को कोई भी कानून लागू करने से पहले बड़ा बारीकी से जांच छानबीन करनी चाहिए जी, कि एक तो लेबर तबका जी, गरीब आदमी दिहाड़ी लगाने आ रहे हैं और उनको दिहाड़ी भी नहीं लगाने दे रहे जी, बहुत इन्होंने गलत कानून लागू कर दिया है जी। तो कितने ट्रक होंगे यहाँ पर प्लांट में जो रन में रहते हैं? 1000 के करीब, 1000 के करीब यहाँ पे ट्रक हैं जी, जो कैप्सूल वाले कंटेनर, वे भी आप लोगों के साथ है ड्राइवर? सारे भाई चला रहे हैं। अभी रोक दिया सारा काम? सारा काम रुका पड़ा है, कोई भराई नहीं हो रही यहाँ से? नहीं जी, भराई नहीं कर पाएंगे। और ये जारी कब तक रहेगा ये सब? देखो जब तक वो नया देश नहीं आएगा, गरीब जनता भूखी है, इस टाइम बेरोजगारी इतनी इंडिया में फैल चुकी है और ये और लोगों को घर में बिठाना चाहते हैं। तो सिलेंडर सप्लाई नहीं होंगे तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएंगी? सभी को होगी जी, सारी जनता को होगी। हमारे घरों में जब दिक्कत है तो हम भरपाई कहाँ से करेंगे? ये चीज और कुछ नहीं है, गरीब जनता पहले ही भूखी मर रही है और ऐसे ऐसे काले कानून लागू करके उनको और बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार देने की जाए और बेरोजगार कर दिया इन्होंने। धन्यवाद। आपका मुकेश महला जी। मुकेश जी, क्या ये विवाद है, क्यों नारेबाजी कर रहे हो आप लोग? सर हम ये प्लांट सन 1985 से चालू हो रहा था गुड़ा गांव के अंदर करनाल शहर में जी, जब से हम ड्राइवर लोग सब अपने सेवा के लिए लगे हुए हैं जनता की तत्पर से जी। जब नियम ये था, हमारा जो लाइसेंस बना हुआ था उस पे अगर जानबूझ के तो कोई करता नहीं एक्सीडेंट जी, हो जाता था तो हमें चलान हमारा हो के हमें बेल मिल जाती थी जी। लेकिन अब जो है 4-5 दिन से ये जो कानून बनाया है, ड्राइवर को रन एंड हिट एंड रन, अगर वो एक्सीडेंट करेगा अब बाजेगा 10 साल की सजा है और उसको 7 लाख का जुर्माना है जी। अगर वो वहीं पे रहेगा उसको अपना पब्लिक मार देगी जी।
ये इसलिए हम आना हड़ताल करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो सरकार ने हमारे जो आना हमारे साथ ये अन्याय किया और जो हम 10 साल के लिए अपना जेल में जाएंगे, हमारे पीछे घर चलाने के लिए कोई नहीं है, और जो हमें सेविंग कर रखा धन वो भी अपना जो सरकार ही अपना जो ले लेगी। तो ये हड़ताल है जो कब तक रहेगी आप लोगों की? ये जब तक रहेगी जब तक ये काला कानून जो हमारे लिए डेरो भाइयों के लिए बनाया गया ये जो वापिस नहीं करेंगे।